खून पी रही है तुम, वो हो गई है राक्षसी, खून पी रही है मेरा कुछ भी आप पी रहे। गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो पेश है ये नया ब्लॉग आप लोगों के लिए। तो सुबह सुबह हम लोग छत पे आ चुके हैं क्योंकि 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 ये पानी दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। तुम पर दे देगा नहीं, वहाँ क्यों नहीं खोल रहा, धूप बहुत हो गया है। और वहाँ क्यारा भी उठ चुकी है, देखिए क्यारा गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। क्या बोल रही है क्यारा, बोल रही है चप्पल नहीं पहने हैं और मक्खी को मच्छर बोल रही है, बहुत मच्छर है मम्मी, बहुत मच्छर है। तो ये देखिए गुलाब का फूल लगाए थे जैसा कि उस दिन आपको दिखाए थे हम, और यहाँ दो गुलाब का फूल और एक ये कौन सा, ये शो प्लांट है क्या, नहीं वो तो फूल खिलेगा लेकिन अभी छोटा है ना। हाँ इसमें भी फूल आएगा और इसमें भी कुछ लगाए हैं, अपने आप ही आएगा इसमें। हाँ उसमें कुछ नहीं लगाए, आप बोले थे ना कुछ लगाए, लगाए नहीं हो। ओ अपने आप आएगा तो सुबह सुबह पानी दे देते हैं, उसके बाद अभी नीचे जाएंगे आपको दिखाएंगे हम लोग क्या करते हैं। आज अभी हम लोग अपने छत पे चढ़े हैं, सबसे ऊपर वाले छत पे, और यहाँ से इतना ऊंचा है और ज़मीन इतना नीचा है, यहाँ से पूरा टाउन दिखेगा आपको, हमारा पूरा टाउन। और क्यों चढ़े हैं ऊपर, क्योंकि नेहा भी चढ़ रही है। कहाँ चढ़ रही हो ऊपर, और तुम चढ़ रही हो तो देखो वहाँ क्यारा रो रही है क्यों रो रही हो, आओ जल्दी आओ, आओ ना जल्दी, नाटक हो गया ये तो, कैसे आए जैसे पहली बार चढ़ चढ़ रहे, हाथ पकड़ो ना, डर लग रहा है यार, डर तुमको ऐसे ही लगते रहता है, डरने का क्या बात है। हाँ सूख गया उस दिन, सूख ये सब नहीं सूखा है, देखो सूखा कच्चे सूख गया। हाँ बिछा दो जल्दी, क्यारा रो रही है नीचे, आ रही है मम्मी बेटा, क्या रहा रो रही है नीचे, हम जाए नीचे क्या तुम आ जाना, डर कौन सी का, ऊंचा से नीचे उतरने। बाप और बड़ा करना चाहिए ना, और बड़ा कर देना चाहिए। हो गया, और पतला कर दो, बीच बीच में जो मोटा टाइप है ना इसलिए नहीं चुप रही, हाँ जैसे इस टाइप हो गया, साइड में हो कोना कॉर्नर में, चलो सूख ही गया आधा से ज्यादा, चलो तब नीचे। हे गाइस तो यहाँ पे हम बना रहे हैं सजीना आलू और बैगन आलू और कुछ बना रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ा पनीर बचा हुआ था रात वाला तो ये भी बनाएंगे, पनीर और शिमला मिर्च डाल के। आप क्या कर रहे हैं, हाँ जूस जूस, लंगटू पंगटू आ गया ग्यारह का तो इससे बहुत अच्छा जूस निकलता है। अभी पपीता का जूस निकाल रहे हैं क्योंकि पपीता कच्चा निकल गया, नहीं तो खा लेते हम लोग, और इसका जूस निकल रहा है। और ये है क्या बोलते हैं इसको, गाजर बीट और टमाटर और आंवला, ये चारों मिक्स करके इसका जूस निकलेगा और इसमें नींबू डलाएगा, आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे हम लोग कैसे निकालते हैं। और ये जो मशीन है इससे बहुत अच्छा जूस निकलता है है ना, पहले मैं हाथ से निकाल देती है। हाँ बहुत मेहनत लगता था इससे, ओहो हम बोले जूस दिखा दीजिए एक बार कैसा निकल रहा है, कैसा निकल रहा है एक बार, चलो पॉटी करेगी कह रहा,
वाह 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 मस्त। चलो क्या रहा? आते हैं फिर उसको पॉटी करा के तब दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे जूस निकल गया है। हाँ वो भी दिखाए कैमरा में, हम पैंट पहन रहे हैं। लाओ जल्दी गिलास। हाँ तो अभी गिलास देते हैं। दे देती है तू? अरे मेरा बेटा तो बहुत काम करता है। ले बाबा ये मेरा ग्लास नहीं है, आपका है ये, और हम अपना भी ग्लास देते हैं। इसमें थोड़ा पानी है। अच्छा है बेटा, दीजिए हम भी पी लें। पपीता पपाया का जूस इतना भर के हमको क्यों दे दिए? हम भी तो भर के लिए। पी रही हो पपाया का जूस? पी लो पापा। देखा क्या हो? इधर दिखा। क्या दिखा है? इधर दिखा। अच्छा तुमको क्या हो गया है बताओ? सर्दी हो गया। सर्दी हो गया? मम्मी बोल रही है मेरा भी तबीयत खराब होने वाला है। अब तुम मैं हमको भी सर्दी सर्दी लग रहा है। तो क्यों पी ली पपाया का? पपाया ठंडा थोड़ी होता है। पापा तो जूस पीने आई और नेहा का सब्जी जल गया। जल गया मसाला। अब निकालेंगे इसका जूस। तो ये जूस बहुत हेल्दी होता है, हम लोग देखे थे तो हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं। आज ये थर्ड डे हम लोग का इस जूस थर्ड। तो हम लोग तो पपाया का जूस पी लिए और क्या रहा नहीं पी, और अब है ये हेल्दी जूस जो कि बीट गाजर और जो जो बताए थे टमाटर और क्या है आमला, ये जूस बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। हाँ दिखाइए। कहाँ जा रही है कीरा? तुमको दूध नहीं पीना है? ऐसा लगता है खून ही है। हाँ ये पीने से बहुत ज्यादा फायदा होता है और बहुत हेल्दी भी होता है। आप डेली पी सकते हैं एक महीना ना। मतलब ज्यादा एक्सेस भी, एक्सेस भी नहीं, मतलब एक आध दिन छोड़ सकते हैं बीच में। मम्मा और मेरा यहाँ सब्जी चढ़ा हुआ है और यहाँ दाल चढ़ा है क्यारा के लिए, क्योंकि आज तो दाल रोटी खाएगी। मसाला भूज रहे हैं और हमको भी लगता है सर्दी सर्दी हो गया थोड़ा बहुत। और बहुत अच्छा होता है, कूड़ा इससे निकल जाता है ये वाले से। और वो हाथ वाला ब्लेंडर से थोड़ा टाइम लगता है और कम निकलता है ना, बहुत कम निकलता। तो ये सेटअप देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। कितना अच्छा लग रहा है। तो ये जूस तैयार है और इसमें डाल रहे हैं नींबू थोड़ा सा और नमक, ऑप्शनल है नमक डाल भी सकते हैं नहीं भी, हम लोग नहीं डालते नमक। तो नींबू और बहुत टेस्टी लगता है। टेस्टी तो मतलब दवाई से तो बहुत अच्छा है, ये पी सकते हैं। और आजकल तो मार्केट में भी मिलता है बीट का जूस ना, बहुत यहाँ भी यहाँ मिलता है तो ऑब्वियसली बहुत सब जगह बड़ा जगह भी मिलता होगा जब लक्की शहर में मिलता है तो। बस ये प्रॉब्लम हो जाता है इसको धोने का प्रॉब्लम। हाँ वाह 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 वाह। तो ये टेस्टी जूस तैयार। ये जो जूस है पीजिए और आप लोग भी ट्राई कीजिए ना, बहुत टेस्टी है। सुबह सुबह खाली पेट में ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। पी लो थोड़ा सा। मैं। अरे बहुत टेस्टी जूस है, देखो तो सही, देखने में कितना टेस्ट। तुम्हारा फेवरेट कलर है पिंक, पिंक कलर है। दो इसको मुंह में दो। नहीं पियो, तुम पियो ना, मस्त बना है लेकिन मीठा लग रहा है एकदम।
वजह से मीठा लगता है। मुंह दिखाओ, पी के पी के खून पी रही है तुम। ओ हो गई है राक्षसी, खून पी रही है मेरा ए, कुछ भी। हाँ।